दोस्तों जब से शाहरुख खान ने आइसलैंड में गेरुआ मूवी का शूट किया है तब से आइसलैंड हर ट्रैवलर की बकेट लिस्ट में टॉप पे आ गया है। और हो भी क्यों ना, आइसलैंड है ही इतना खूबसूरत। मैं आइसलैंड 10 बार जा चुका हूँ और इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आइसलैंड के टॉप 5 प्लेसेस ट्रैवल कर सकते हैं और वो भी मिनिमम प्लानिंग के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विच आर द टॉप 5 थिंग्स टू सी इन आइसलैंड, हाउ टू प्लान योर आइसलैंड ट्रिप आइटनरी एंड विच इज द बेस्ट प्लेस टू सी नॉर्दर्न लाइट्स विद मैक्सिमम चांसेस। बेसिकली दिस इज ए आइसलैंड ट्रेवल गाइड फॉर योर नेक्स्ट आइसलैंड ट्रिप। तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि एंड में मैं आपको बेस्ट चीपेस्ट हॉस्टल बताऊंगा जहां से नॉर्दर्न लाइट्स देखने के चांसेस 90% तक बढ़ जाएंगे। तो चलिए कर लीजिए सब्सक्राइब एंड लाइक बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। नंबर 4 पे आता है ब्लू लगून। अगर आप आइसलैंड आ रहे हैं तो ये जगह आपकी आइटनरी में day 1 में सबसे टॉप पे होनी चाहिए। अपने लेविस स्टाइल के लिए वर्ल्ड फेमस आइसलैंड का ब्लू लगून जियोथर्मल स्पा है और ये लोकेशन है केफ्लाविक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर दूर। आप एयरपोर्ट से एक सीधी बस भी ले सकते हैं जो आपको 20 मिनट में ब्लू लगून उतार देगी। आज की डेट में ब्लू लगून एक स्टेटस सिंबल की तरह बन गया है। हर इंसान आइसलैंड में इसके ब्लू वाटर और वाइट मत्सिलिका के साथ फोटो लेना चाहता ही है। ब्लू लगून की एंट्री के 3 पैकेजेस हैं, कम्फर्ट, प्रीमियम एंड रिट्रीट स्पा। 4500 से स्टार्ट होने वाला ये पैकेज सबकी पॉकेट में फिट तो हो ही जाता है। ब्लू लगून एक तरह का हॉट वाटर पूल है जिसमें आपको एल्गी मास्क और एक ड्रिंक कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। साथ ही आपको लॉकर फैसिलिटी फॉर लगेज, कॉस्ट्यूम स्ट्रक्चर भी मिल जाती है। तो आइसलैंड में VIP की तरह फील करना है तो दिस इज द टॉप 5 थिंग्स टू सी इन आइसलैंड। सो एड दिस प्लेस इन योर आइसलैंड वेकेशन ट्रेवल गाइड आइटनरी एंड लेट्स गो टू नेक्स्ट प्लेस। टॉप 5 थिंग्स टू सी इन आइसलैंड में 4th नंबर पे आता है सिल्फ्रा। सिल्फ्रा इज द ओनली प्लेस इन दिस वर्ल्ड जहां आप 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं। ये यूनिक प्लेस सिल्फ्रा है आइसलैंड के थिंगविले नेशनल पार्क में और ये नेशनल पार्क भी आइसलैंड के टॉप ट्रेवल प्लेसेस में आता है। अगर आपको नहीं पता तो वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट प्लेट्स हैं और सिल्फ्रा क्रैक है बिटवीन नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में। पर अगर आपको यहाँ स्नॉर्कलिंग करनी है तो आपको एडवांस में बुकिंग करनी होगी बिकॉज ये प्लेस हमेशा फुली रहता है। यहाँ की एंट्री फीस फ्री ऑफ कॉस्ट है बट आपको पार्किंग 1500 IS के जो देने ही पड़ेंगे। सिल्फ्रा रेक्जाविक से 54 किलोमीटर दूर है और आप यहाँ 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो एड इट इन योर आइसलैंड वेकेशन ट्रेवल गाइड आइटनरी एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्लेस। टॉप 5 थिंग टू सी इन आइसलैंड में 3rd नंबर पे आता है गीजर्स। गीजर एक हाईली एक्टिव जियोथर्मल एरिया है जो फेमस है अपने डिफरेंट एंड यूनिक गीजर इरप्शन के लिए। इजी लैंग्वेज में समझो तो गीजर एक तरह का हॉट वाटर वॉल्केनो है। रेक्जाविक से 100 किलोमीटर दूर ये जगह गोल्डन सर्कल में भी आती है। ये गीजर इरप्शन 5 से 6 मिनट में कॉन्टिन्यूस होता रहता है और बॉइलिंग वाटर 15 से 20 मीटर तक जाता है। पहले ये 30 से 40 मीटर तक जाता था लेकिन अभी इसकी जो हाइट है वो कम हो चुकी है। ये वाटर वेलकनो आइसलैंड के टॉप अट्रैक्शन में आता है और उसका रीजन भी है। सो बिना सोचे समझे यू शुड ऐड इट इन योर आइसलैंड वेकेशन ट्रेवल गाइड आइटनरी विदाउट फेल। रेक्जाविक से कुछ 100 किलोमीटर दूर यहाँ पहुँचने में आपको लगेंगे 1 से 1.5 घंटा। टॉप 5 थिंग्स टू सी इन आइसलैंड में 2nd नंबर पे आता है गेरुआ फेम वाटरफॉल। अगर आपने शाहरुख खान का गेरुआ शॉट देखा है तो यही वो जगह है जहाँ पे शाहरुख खान वाटरफॉल के पीछे जाके डांस करते हैं। वाटरफॉल जो कि फेमस है SRK मूवी गेरुआ के शूट के लिए और साथ ही अपने 60 मीटर ड्रॉप के लिए। इसका यूनिक अट्रैक्शन है, आप इस वाटरफॉल के पीछे जाके भी फोटोज ले सकते हैं। अगर आप SRK के फैन हैं तो ये वाटरफॉल आपके लिस्ट में टॉप पे होना चाहिए। अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो पोंचो ले जाना मत भूलना वरना वापस आते आते आप पूरा भीग जाएंगे। अगर आप यहाँ लंच स्टॉप का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ 2 रेस्टोरेंट हैं, एक कॉफ़ी और एक फूड के लिए, तो लंच इज ए गुड ऑप्शन हियर। पार्किंग पेड है, फीस है 1500 IS के, सो डोंट फॉरगेट टू पे एल्स यू विल बी फाइन। रेक्जाविक से कुछ 130 किलोमीटर दूर ये वाटरफॉल टॉप 5 थिंग टू सी इन आइसलैंड में 2nd नंबर पे आता है और आपकी आइसलैंड वेकेशन ट्रेवल गाइड आइटनरी में 100% होना ही चाहिए। टॉप 5 थिंग टू सी इन आइसलैंड में 1st नंबर पे आता है गेरुआ फेम ये प्लेन रैक। आज आइसलैंड के इस प्लेन रैक पे गेरुआ मूवी में शाहरुख खान ने इसके ऊपर खड़े होकर डांस किया था और उसके बाद से इतना फेमस हो गया कि यहाँ तक आने के लिए एक बस लगानी पड़ी। मेन रोड से कुछ 40 मिनट 1 साइड की वॉक के बाद आप पहुँचते हो इस प्लेन रैक पे जो यहाँ क्रैश हुआ था 1973 में। ये एक US नेवी का DC प्लेन था। इसके क्रैश में कैजुअल्टी तो नहीं हुई पर डेब्रिस को यहीं छोड़ दिया गया कॉस्ट ऑफ रिट्रीवल के कारण से।
ऐसे बहुत से प्लेन रैक आइसलैंड में जगह जगह बिखरे पड़े हैं। उसके बाद इसके ऊपर सिंगिंग सेंसेशन जस्टिन बीबर ने डांस किया और नेक्स्ट एसआरके ने। बस फिर क्या था, बन गया ये टॉप अट्रैक्शन ऑफ आइसलैंड फॉर इंडियंस। वैसे तो इसकी एंट्री फीस नहीं है, बट इफ यू डोंट वॉन्ट टू वॉक देन बस कॉस्ट इज 2200 IS की बोथ फीस। दिस इज इन योर आइसलैंड वेकेशन ट्रेवल गाइड आइटनरी एंड इट्स अ मस्ट टू विजिट इन आइसलैंड। तो नाउ लेट मी टेल यू, ये सभी अट्रैक्शन करके आप विक टाउन में स्टे कर सकते हैं जो कि कुछ 20 मिनट्स दूर है प्लेन ट्रैक की साइड से। ये एक ऐसा हॉस्टल है जो मोस्ट सिक्लूडेड प्लेस पे है और यहाँ से आपको नॉर्दर्न लाइट देखने के चांसेस 90% तक बच जाते हैं अगर स्काई क्लियर हो और प्रिडिक्शन हो। हॉस्टल का नाम है दबान। ये ब्लैक हॉस्टल बना है एक हिल के ऊपर और ये सिटी से कुछ 10 किलोमीटर दूर है। आई होप आपको ये आइसलैंड अट्रैक्शन पसंद आए होंगे और जल्दी से मार लो सब्सक्राइब और सेव दिस वीडियो फॉर योर नेक्स्ट एडवेंचर टू आइसलैंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।